गुड मॉर्निंग गाइस, भाई आज हम क्या कर रहे हैं, एक नई चीज जो कि भाई लगवाई थी ना टेंट, इसमें भाई हो गए 4-5 महीने हो गए इसको लगाए हुए ना, आज इसको हटाएंगे और वहां पे जाएंगे बिमरा पे। फिर आज ही वैसे तो 2-3 दिन हो गए उनसे बात करते हुए ना, ये टेंट वहां पे अंदर रखवा के और भाई अपना वो रूफ कैरियर लगवाना, बहुत दिन हो गए उस पे। ज्यादा मुझे गाड़ी अच्छी लगती है, ये देखो भाई उतारना भी शुरू कर रहे हैं, देखते कितना समय। अब ये जो टूल किट है ना, ये बहुत बढ़िया भाई काम आ रही है सारी चीजें ना, इसमें से अपना कहीं मैकेनिक पे जाने की जरूरत नहीं। अभी भाई लगा दिया इनको और ये उतार रहे हैं, पर बड़ा है भी ये है? थोड़ा पीछे कर दो, हाँ इसके यहाँ पे रख दोगे ना, ये दरवाजे खोल लो, हाँ ये अब इसको यहाँ से करके और थोड़ा यहाँ पे रख दो, फिर यहाँ आप पीछे आ जाना। लो भाई बस, बाबा तो धक्का दे रहे हैं, उठा नहीं रहे देखो एंटीना एंटीने पे बजा आशीष, तू उठा ऊपर को, ऊपर चढ़ जाओ। हाँ हाँ बस 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 ठीक है ठीक, बस आगे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा, हो जाएगा। लो मैं हाथ लगवाता हूँ, देख लो टेंट है भाई ये तो, गाड़ी के ऊपर बड़ा छोटा लग रहा था, यहाँ बहुत बड़ा लग रहा है, पूरा गाड़ी से बड़ा लग रहा है यहाँ पे तो, और उसके ऊपर रखे छोटा लग रहा था भाई। उठाओ अंदर रख दे इसको रूम में, भाई यहाँ पे स्पेस है, वहाँ घर पे तो कहाँ रखेंगे इतना बड़ा, पूरा रूम ही घेर लेगा ये, उधर ले चलो उधर उस तरफ। सब ये सोच रहे है क्या ये, तो कैसी लग रही है ऊपर से, ऐसे जैसे होते ना गंजी गंजी होगी ऊपर से सब कुछ गायब, ऐसी गाड़ी थी भाई, पता नहीं अजीब सी दिख रही बिल्कुल ऊपर से, कैसी प्लेन सी, अजीब सी है भाई। इस गाड़ी को ना मैं कम से कम 20-25 दिनों के बाद चला रहा हूँ भाई, और बिल्कुल अलग ही है भाई। नेक्सोन ईवी चला रहा था उससे पहले, वो नेक्सोन चला रहा था डीजल वाली, हर एक गाड़ी का ना अलग ही भाई मजा है इसका भाई, एकदम बढ़िया ऊपर एकदम बैठ के बड़ी भाई, कि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है ना ऊपर, मजा तो काफी आ रहा है। और तैयारी कहाँ की चल रही है भाई, हम जा रहे हैं एक बहुत मतलब मेरे लाइफ का सबसे लंबा ट्रिप ये कह सकते हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, मिल रहे हैं पार्टनर से भी, अगर वो आ गया होगा तो वहाँ पर ही तो रूफ कैरियर लगवाएंगे फिर बताएंगे। पहुंच तो गए पर काफी देर लग रही है भाई, और मैंने आप देखा यहाँ पे लगा रहे हैं ना रूफ कैरियर, ये देखो यहाँ पे डेंट भी आ गया, और ये भाई पीपीएफ जो करा रखी थी ये भी यहाँ से उतर गई, अपना वो टेंट उतारा था ना अभी उससे भाई, ये देखो इस तरफ पूरा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और शायद उस तरफ भी, इधर तो ठीक है चलो, यहाँ इस तरफ से, हाँ इस तरफ से मैंने उतरवाया था क्योंकि उधर से भाई उनने उतारा ना सारा, वो टच करते हुए लाए हैं और टेंट भी हो गया, यहाँ पर टेंट आ गया ये, बस देखा नहीं था देख लो, ये प्रॉब्लम हो गई, गाड़ी लगा दी इसके अंदर, ये पेंट बूथ है जो भी है भाई, ये क्या है भैया आपका, ये पेंट होता है इसमें भाई, इसके अंदर लगा दी कभी कहीं कभी कहीं, पहले यहाँ खड़ी थी फिर अब यहाँ ले आए, पूरा देखो भाई क्या पूरा ब्लैक ब्लैक, कौन सा पेंट बोलते हैं इसको, लाइनेक्स कोटिंग, अच्छा और पूरा देखो पूरा ब्लैक ब्लैक हो रखा नीचे ऊपर सब, ये ना पूरा यहाँ से बीच वाला पूरा खराब हो गया था, इसको भाई दोबारा पेंट कराया ताकि मुझे लग रहा था कि बाद में कहीं टूट ना जाए। चलो दोनों काम हो गए, टेंट भी हटा दिया और इसको लगा रहे ना दोबारा भाई, ये पेंट हो गया देखो एकदम नया लग रहा है, वो वाला जेरिकेन तो पता नहीं कहाँ गया, नया जेरिकेन लगा रहे हैं भैया, और भाई कितना समय लग रहा है, पहले वो चारों वो लगाए हैं फिर इसको लगा रहे हैं, और अभी ड्रिल भी करेंगे ना इस, उसमें ड्रिल होगा, अच्छा इसमें ड्रिल होगा, और फिर देखते भाई एकदम नया एकदम, और ये भी नया हो गया, ये भी नया, ये है ही नया, और वो पेंट होके नया हो गया, कौन सी कैब, हाँ ये भी नहीं होगी, वो पता नहीं कहाँ गया पुराना सामान, कहाँ रख दिया आप लोगों ने, ये वाली है इस कैब की कह रहे हैं भैया, ये भाई ये सारी चेंज होगी, एक कम है पर अभी वहाँ पे ना। ले आओ जी ले आओ ले आओ, बहुत कई महीनों के बाद है, काफी महीने हो गए वो टेंट लगाए लगाए ना,
सामान ही रख पा रहे थे गाड़ी में। तो आप ही कमेंट करके बताना, टेंट में अच्छी लग रही थी या अपना रूफ कैरियर के साथ। ये ऊपर से देखो, पर अच्छी या बेकार का मेन तो पर्पज ये है कि भाई उसमें है ना सामान नहीं आ पा रहा था, अपने लगेज है ना जो सारे गाड़ी के अंदर, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब हम दो ही बंदे जा रहे हैं, ट्रिप लंबा है, सारे बैग वगैरह ऊपर लगा के अपना अच्छी तरह बांध के और भी कुछ सामान रख सकते हैं और अंदर पूरा स्पेस हो जाएगा। अभी तो भाई गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है अंदर से भी। मैं पहले रूफ कैरियर लेके जा रहा था कि अंदर ही रखेंगे और कहीं बाद में इंस्टॉल करो, क्योंकि काफी समय हो गया। यहाँ पे मैं आ गया था लगभग 3:30 बजे के करीब करीब शायद, और अब 5:30 हो गया, कितना 5:25 ये देखो। आ जाओ जो देखो, अब बताओ कैसी लग रही है टेंट के साथ? अच्छी थी, अब अच्छी लग रही है। ओहो माइल्स क्या बोल रहा है भाई, गंदी लग रही है। अरे तेरे से कौन पूछ रहा है, तू चुप रह, इसमें नजर आ रहा है। ओ भाई वहाँ बैठा है, बोरा ओ कूलर चल रहा है उसका। हाँ ठीक है समझ गए, उसको भी गंदी लग रही। नहीं भाई हमें तो अच्छी लग रही है ना वंशो, अब अच्छी लग रही है। और हमने ये और लगा लिया भाई अपना कैमरा ना, इसमें लगाते हम ये रहा, ये भाई यहाँ से टूट गया था कैसे क्या, पूरा बढ़िया एकदम नया हो गया, बहुत बढ़िया है। दिन में आपने देख लिया होगा। अभी चल रहे हैं हम कहाँ पर बताओ भाई? मंदिर जा रहे हैं हम, गाड़ी में बैठ के बताते हैं अपने नई ईवी में। तो हम जा रहे हैं भाई मंदिर, शीतला माता मंदिर। कुछ बोलना चाहोगे? जय माता की जय माँ शीतला, जय शीतला माता की। तो भाई और कब जा रहे हैं? हमने गाड़ी चला ली है 912 किलोमीटर, उसके बाद चले। देखो कितने बिजी हैं मैं। वैसे भाई हम एक दो मंदिर हुए, हाँ हुआ भाई, बहुत ज्यादा बिजी चल रहे थे, आज जाके फुर्सत रहा, वो भी रात का। कितना टाइम हो गया, वो कितने बजे जा रहे हैं? क्या हो गया टाइम? वाह भाई 8 बजे के आसपास, ये देख लो माता रानी का हुक्म होगा। हाँ तभी तो जाएंगे, जब बुलाएगी माता रानी तभी जाएंगे भाई। और पीछे बड़ा अंधेरा, अच्छा पीछे लाइट नहीं इसमें ना भाई, अपने नेक्सोन ईवी में जा रहे हैं। इसमें ये सीट बेल्ट की बड़ी प्रॉब्लम है, ये भाई पूरा दिन बोलती रहती है, पता नहीं वो लग ही नहीं रही उसमें भाई, ऐसे चलता रहता है। और कितनी माइलेज है? अच्छा ये भाई ये तो बोलती रहेगी 913, हमने चला ली, 54 की रेंज बची और हम चले हैं। देखो भाई क्या उम्मीद, आएंगे वापस? कहीं बैटरी वो ना हो जाए लो इसकी, आना जाना आराम से। हाँ बस बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, 54 किलोमीटर की रेंज बची है अभी इसमें। बेल्ट हमने लगाई हुई है, पता नहीं बच्चे हिल रहे ना बार बार, पीछे वाली बेल्ट का बड़ा हुआ भाई इसमें। जब जाएंगे ना वहाँ पे सर्विस स्टेशन, जब कराएंगे इसका कुछ ना कुछ। अरे बच्चों थोड़ा रुक जाओ, बार बार हिल रहे बार बार वो इसका बैटरी का आ रहा है। तो भाई इसमें भी पूरा मोबाइल की तरह एकदम जैसे जाती है ना 10% और 20% के आसपास, ऐसा लगता है घर कैसे पहुंचेंगे हम। पर अभी हैबिट हुई नहीं है कितनी जब इसकी बैटरी रहती है और कितनी रेंज, धीरे धीरे पता लग जाएगा हमें। अच्छा ठीक है, हाँ लो ये क्या बना रही है। पे वापस पहुंच गए हम और अभी रेंज 30 किलोमीटर की बची हुई है बस, वैसे थोड़ा सा ना वो रहता है, 20% अभी बैटरी बची है। रात का टाइम हो गया 9:15, आपसे मिलते कल, और कल तैयारी करते हैं भाई ट्रिप पे जाने के लिए। कहां कहां जाएंगे, कैसे कैसे क्या होगा तो कल ही बता पाएंगे, जो पार्टनर से मिल नहीं पाए ना कल मिलेंगे, कल बताएंगे। आपसे मिलते हैं कल, तब तक स्टे सेफ स्टे हेल्दी, दे सेफ परमाता की जय।